देश के मुद्दों और समस्याओं पर हमसे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शौचालय। जहाँ एक तरफ देश के भूखे किसानों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सरकार डेवलपमेंट के नाम पर शौचालय बनवा रही है। इतना ही नहीं, आजकल हम डेली FM पर सुनते हैं, मूवीज बन रही है इसके ऊपर, तो इस पर आपका क्या कहना है केसरीवाल जी? देखिए, ऐसा है कि एजुकेशन के लिए तो ठीक है कि भाई शौचालय लोगों के घरों में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे किसान, जैसे हमने बताया, खासतौर से जो हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके पास कभी पैसा नहीं रहा, कभी एजुकेशन नहीं रही, कोई बताने वाला नहीं रहा, तो जो जैसा सिस्टम बन गया वो वैसे ही बन गया। उसके लिए एजुकेशन तो खैर जरूरी थी उनके लिए, लेकिन डेवलपमेंट भी साथ में होना चाहिए। शौचालय बनना में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो ये मुद्दा बिल्कुल गलत है सरकार का कि हम अगर शौचालय बना देंगे तो हमारा जो रूरल एरिया है वो डेवलप कर जाएगा। इससे रूरल एरिया कैसे डेवलप कर जाएगा, तो मैं इससे बिल्कुल सहमति नहीं रखता हूँ। सबसे चीज जरूरी है कि वहाँ पे वो डेवलपमेंट करें रूरल एरियाज की, वहाँ पे जैसे मैंने कहा लैंड मैनेजमेंट करें, वाटर मैनेजमेंट करें, सूखे को रोकें, बाढ़ को रोकें, 70 साल से जो नियोज होता और जो बढ़ता चला जाता है उसके ऊपर ध्यान दें, बजाय इसके कि ये शौचालय बनाते जाएं और उसके ऊपर दिन भर रेडियो पे और टीवी पे ऐड आते रहें, ये मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता है। जो चीज जरूरी है पहले आप उसको करिए, जिससे हमारे जो गरीब लोग हैं वहाँ के वो अपना जीविका खुद ठीक से कमा सकें और अपनी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर कर सकें। उसके लिए जैसे आपने बताया पहले कि R&D का वहाँ पे होना चाहिए, अच्छे सीड जैसे हाइब्रिड सीड का वहाँ प्रोविजन होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कौन सी खेती बाड़ी करनी चाहिए, और थोड़ा सा कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के जो हमारे जो साइजेस हैं हमारे फार्म लैंड्स के उनके बड़े करने चाहिए, जिससे उनकी एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, वो एक वाइबल व्यवसाय बन सके। तो मेरे तो यही कहना है इसके बारे में, और कुछ नहीं कहना। तो मेरा आपसे एक ये सवाल है कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना वीक है कि जहाँ एक तरफ हमारे किसानों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यहाँ से इतने करोड़ों पैसे लेके भाग रहे हैं, और उन्हें रोकने की बजाय या उस पैसे को वापस लाने की बजाय सरकार जो हमारे बैंक है उसकी ब्रांचेस को सीज कर रही है, तो ये किस हद तक आपको ठीक लगता है? देखिए, तो एक तंत्र बन गया हमारा पिछले 70 साल के अंदर कि आदमी जो है ठीक से जो है मेहनत करके जो कमाना चाहे वो नहीं कमा पाता है, तो इस तरह के वो अपने हथियार अख्तियार करता है और ले दे के वो अपने पैसे निकाल लेता है। अब बाहर से पकड़ के लाना नहीं लाना मैं नहीं समझता, इसके पर मुझे कोई कहना है। मुझे तो ये कहना है कि इससे हमारा एक रेस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव हमारे रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए, जिसमें हमारे जो लेजिस्लेचर है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और नॉलेजेबल होने चाहिए, और जुडिशरी हमारी स्टेडफास्ट होनी चाहिए। आपने जुडिशरी का इसमें जिक्र किया कि जुडिशरी का इसके अंदर क्या रोल है, जुडिशरी का सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन उनके पास है। अगर हमारी सरकारें लगातार 70 सालों से फेल हो रही है तो जुडिशरी ने उनको फेल होने दिया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो जुडिशरी इसके लिए 100% पर जो है जिम्मेवार है। जबकि मैं कहता हूँ ओनली जुडिशरी कैन सेव अवर नेशन, वो इसलिए कहता हूँ वो हमारी जो अल्टीमेट गार्जियन वही है, वो कर सकती है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी है कि उनको भी तो अपने को स्टेट फास्ट होना चाहिए। जो गलत काम लेजिस्लेशन कर रहे हैं या जो गलत काम हमारे एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं उस काम को रोकना चाहिए। ये ऐसे ऐसे लॉस बनाते हैं या ऐसे ऐसे एक्ट बनाते हैं या ऐसे ऐसे पब्लिक पॉलिसीज बनाती है जो वायलेशन है हमारे लॉ का, और वो देखती रह जाती है। तो ये जरूरी है कि जुडिशरी का बहुत जिम्मेवाराना रोल है, उसमें एक Article 13 है कि वैसे तो हमारे जो लेजिस्लेचर है वो कैसा भी लॉ बनाए, कुछ भी बनाए, उसको पूरा हक है बनाने का, लेकिन वो कोई ऐसा लॉ बना नहीं सकती, कोई ऐसा एक्ट नहीं बना सकती, कोई ऐसी पब्लिक पॉलिसी नहीं बना सकती जो देश के या लोगों के हितों में ना हो। और हमारी जितनी पॉलिसीज बनती हैं और जितने हमारे एक्ट और लॉ बनते हैं वो मेरे हिसाब से वो लोगों के हित में तो नहीं होते, और जिम्मेवारी बनती है उस वक्त जुडिशरी की वो ऐसे लॉ और एक्ट और ऐसे पब्लिक पॉलिसीज को ना बनने दें, लेकिन वो बनने देते हैं, इस तरह से बढ़ावा देते हैं हमारे लेजिस्लेचर को गलत काम करने का, और जो 70 साल में जाके ये आदत बन गई है कि सारे गलत काम वो करते हैं और जुडिशरी जो है वो देखती रहती है, दे हैव बिकम बाई स्टैंडर्ड्स। ये मुझे इसके अंदर कहना है। इसको जो हमारी जुडिशरी है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो एवरी इंडिविजुअल को वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे, और जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि नो देयर शुड बी नो रिजर्वेशन, बट स्टिल जो जुडिशियरी है वो रिजर्वेशन को सपोर्ट करती है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये सिर्फ एक वोट कलेक्ट करने का जरिया है गवर्नमेंट के लिए, या इसके पीछे क्या रीजन है? बिल्कुल वोट कलेक्ट करने का जरिया, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है।
और ये जिम्मेवारी बनती है, दे आर एम्पावर्ड, अवर जुडिशरी इज टोटली एम्पावर्ड टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स। ऐसे थोड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा, रिजर्वेशन का था ये कुछ सालों के लिए था, इट इज अ गेस्टेशन पीरियड फॉर द नेशन टू एस्टेब्लिश मींस एंड एवेन्यूज फॉर प्रॉपर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर पीपल। ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर कोई डेवलपमेंट तो करे नहीं और इसलिए हमारा जो रिजर्वेशन कभी खत्म हो नहीं, तो ये तो कोई तरीका नहीं बता। एवरी टोल का जुडिशियस टोटली फेल, आई फुली एग्री विद यू, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि क्यों ऐसा होने देती है, क्यों गलत पास। अब हमारे जितनी अनऑथोराइज कॉलोनीज होती है, जो लोग माइग्रेट यहाँ पे आ जाते हैं उनको ऑथोराइज कर देती है, अरे भाई क्यों ऑथोराइज कर देती है, दिस इज टोटली इलीगल। और जुडिशरी के अंदर कोई एक्शन नहीं लेती, जुडिशरी बहुत कमजोर है, जुडिशरी को कमजोर कर भी दिया गया मैं तो कहता हूँ, कोई बात उनकी ना मान के, उनको जजेज ना देके, या हर एक चीज में गलती कर करके, गलत उनके साथ आर्गुमेंट करके, दे हैव रियली मेड अवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज रियली मेड अवर जुडिशरी वीक, एंड समटाइम्स जुडिशरी टेक रॉन्ग डिसीजंस, दे टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ द रॉन्ग एक्ट्स एंड पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट मेक। सो हियर आई शुड प्रे द लर्नर जुडिशरी टू बिकम स्टेडफास्ट एंड डू व्हाट इज गुड फॉर द नेशन एंड व्हाट इज इन कंसोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।